नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो आइए रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि उनका जाना हम सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के महान नेता थे। उन्होंने पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों और आम जनमानस के लिए कई कार्य किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी सरकार तक कुर्बान कर दी थी। ऐसे महान नेता के निधन पर आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही आज एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया था। कल्याण सिंह का जाना बहुत ही दुखद है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति, भारतीय राजनीति में बहुत बड़े शिखर पुरुष थे और उन्होंने हमेशा शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, आम जनता के लिए पूरे जीवन भर काम किया। उनकी कमी हमेशा उनको रहेगी। इसके साथ साथ भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बने, उसके लिए उन्होंने अपनी सरकार भी कुर्बान कर दी थी। और साथ साथ उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि इसके लिए जितनी भी सरकारें कुर्बान हों कम हैं। निश्चित रूप से उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के खिलाफ जंग को अब पहले से भी ज्यादा रफ्तार मिलने जा रही है। दरअसल आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी लगाने का शुभारंभ कर दिया है, जिसके तहत ग्राफिक एरा हॉस्पिटल थूलकोट पर स्पुतनिक वी का वैक्सीनेशन शुरू होकर दिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह 9 बजे ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अस्पताल पहुंचकर स्पुतनिक वी वैक्सीन का शुभारंभ किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक और वैक्सीन जिसका शुभारंभ अब उत्तराखंड में भी हो चुका है, इससे यकीनन उत्तराखंड में जो कोरोना के खिलाफ जंग है, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, उसको मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी जो कि रूसी वैक्सीन है, इसका आज से उत्तराखंड में शुभारंभ कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिस तरीके की तबाही देखने को मिली थी, उसके बाद से ही वैक्सीनेशन का कार्य पूरे देश में फुल स्पीड से चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पहले जहां दो वैक्सीन उपलब्ध थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके बाद अब अन्य वैक्सीनों को भी मान्यता मिलने लगी है। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड में रूसी वैक्सीन जिसका नाम स्पुतनिक वी है, उसका सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। इससे यकीनन आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो कोरोना के खिलाफ जो जंग है, उसमें कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, स्पुतनिक वी वैक्सीन का आज शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है, उसमें वैक्सीन ही सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार निकलकर सामने आया है। तो आज सुबह 9 बजे की तस्वीरें जहां ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अस्पताल पहुंचकर स्पुतनिक वी वैक्सीन का शुभारंभ किया गया था। तस्वीरों में आप मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी को भी देख सकते हैं। तो कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है, उसमें पूरे देश के तमाम अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो जोरों पर चल रहा है। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। इस बीच एक नई वैक्सीन को वहां ऐड किया गया है, स्पुतनिक वी। ये रूसी वैक्सीन है जिसको अब भारत में लगाया जा रहा है और उत्तराखंड में आज इसका शुभारंभ कर दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि इससे पहले भारत में शुरुआती दौर में दो वैक्सीन जो थी वो लगाई जा रही थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो अब ऐसे में एक और वैक्सीन जो है वो स्लॉट में ऐड कर दी गई है, स्पुतनिक वी। अब ये भी उत्तराखंड के लोगों को लगाई जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह 9 बजे इस वैक्सीन का शुभारंभ किया है। तो आपको बता दें कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का भी शुभारंभ हो चुका है, अब उत्तराखंड के लोगों को ये वैक्सीन भी लगाई जाएगी। ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अस्पताल की है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने स्पुतनिक वी वैक्सीन का शुभारंभ किया।
तो कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार निकलकर सामने आई वैक्सीनेशन का कार्य अब जोर पकड़ चुका है। और इसी कड़ी में आज देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने स्पुतनिक वी वैक्सीन जो कि रूसी वैक्सीन है उसका शुभारंभ कर दिया है। किस तरीके से देखते कितना फायदा मिलने वाला है? वैक्सीन निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर आज आई है और उसका लाभ मिलेगा। साबिर कलियारी उत्तराखंड दरगाह के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड सरकार के हसनैन मलिक ने एक प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में 2017 में बंगाली समाज को कांग्रेस हाईकमान द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया था पर बंगाली समाज के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि बंगाली समाज को 2017 में दिए गए टिकट का मुस्लिम समुदाय ने पूर्ण समर्थन किया था व 80% मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा वोटिंग की गई थी। हसनैन मलिक ने कहा कि इस बार मुस्लिम भाई को ही सितारगंज से कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों ने मिलकर पार्टी में एक सिपाही की हैसियत से काम किया है और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनानी है। हसनैन मलिक ने मीडिया को बताया सितारगंज विधानसभा में मुस्लिम समुदाय का वोट सबसे ज्यादा है और अगर पार्टी हाईकमान मुस्लिम समुदाय को सितारगंज विधानसभा क्षेत्र से टिकट देती है तो मुस्लिम प्रत्याशी सीट जीत लेगा। उन्होंने कहा कि मेरा पार्टी से आग्रह है कि विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में मुस्लिम समुदाय को ही कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलना चाहिए। तो सितारगंज से ये तस्वीरें जहां पर सितारगंज विधानसभा में मुस्लिम समुदाय जिस तरीके से वोट पिछली बार किया गया था उसको देखते हुए अब यहां पर कांग्रेस की तरफ से टिकट मांगने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में आज हसनैन ने टिकट मांगने की बात कही है। हसनैन मलिक ने कहा है कि इस बार मुस्लिम भाई को ही टिकट मिलना चाहिए। पिछली बार बंगाली भाई को टिकट दिया गया था जिसके बाद मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर लगभग 80% मुस्लिमों ने समर्थन किया और वोट भी दिया लेकिन वो प्रत्याशी हार गया। तो ऐसे में उनका कहना था कि बंगाली समाज का जो प्रत्याशी हार गए थे हालांकि उनको मुस्लिम समुदाय के 80% लोगों ने वोट किया था लेकिन इसके बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2017 की ये पूरी बात है। तो ऐसे में हसनैन मलिक ने कहा है कि इस बार किसी मुस्लिम भाई को ही टिकट दिया जाना चाहिए और सितारगंज से अगर कांग्रेस पार्टी का टिकट किसी मुस्लिम भाई को मिलता है तो ऐसे में नतीजे अलग होंगे, मतलब कांग्रेस पार्टी को ये सीट जीतने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये मीडिया से मुखातिब होते हुए सितारगंज विधानसभा में मुस्लिम समुदाय का जो वोट स्पेस है वो ज़्यादा है ऐसा बताते हुए हसनैन मलिक ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टिकट है वो मुस्लिम समुदाय के ही नुमाइंदे को मिलना चाहिए और अगर टिकट मिलता है तो यकीनन इस बार पार्टी सितारगंज जीतने में कामयाबी हासिल करेगी। मैं अपने विधानसभा सितारगंज के वासियों को और देशवासियों प्रदेशवासियों को बहन भाइयों को बहुत बहुत रक्षाबंधन की मुबारकबाद देता हूं। जहां सवाल है सन 2022 के चुनाव का, हमारे बड़े भाई अनवार अहमद साहब ने आपको बताया ही बंगाली समाज को पहले टिकट दे दिया गया और मुस्लिम समाज ने पूरी कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट करी और हम ये चाहते हैं इस बार विधानसभा में परचम लहराना है तो किसी मुस्लिम भाई को टिकट दे दिया जाए, आराम से निकल जाएगी और हम लोग हमेशा पार्टी के सिपाही की हैसियत से हमने काम किया है। वहीं हरिद्वार के रावली महदूद में नशीली दवाओं को बेचने के आरोप में एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया था। वहीं मेडिकल स्टोर के संचालक के द्वारा ताला तोड़े जाने की जानकारी मिली है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बीती 21 अगस्त को ड्रग विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उक्त मेडिकल स्टोर संचालक को नशीली दवाइयां बेचने का दोषी पाया गया था जिसके चलते मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया था। अब स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बीती देर रात मेडिकल संचालक ने विभाग द्वारा लगाए गए ताले को तोड़कर अपना ताला लगा दिया है। कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि मेडिकल संचालक के द्वारा मेडिकल में रखी नशीली दवाओं को ताला तोड़कर अब हटा दिया गया है जिससे कि मेडिकल स्टोर के अंदर कोई सबूत ना मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर मेडिकल संचालक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हरिद्वार का ये पूरा मामला है जहां पर मेडिकल संचालक की जो मेडिकल स्टोर है उसको नशीली दवाई पाए जाने के बाद सील कर दिया गया था लेकिन अचंभित करने वाली बात यह है कि मेडिकल स्टोर के संचालक ने
खुद ही ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए हैं कि उन्होंने खुद ही वो ताला तोड़कर दुकान खोलकर और नशीली दवाइयां जो थी उनको वहां से हटा दिया और अपना ताला अब दुकान पर लगा दिया है। तो ये एक बड़ी खबर भी है कि हरिद्वार में एक मेडिकल स्टोर पर जहां पर ड्रग विभाग की टीम उस मेडिकल स्टोर को सील कर देती है, जहां पर आधिकारिक रूप से उस मेडिकल स्टोर को सील किया जाता है, वहां पर मेडिकल संचालक अपनी मनमानी करते हुए उस ताले को तोड़ देता है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है, और नशीली दवाइयां जो उसके अंदर पाई गई थी अब उसको दुकान से हटा देता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर जो बाकी लोग भी इकट्ठा हैं, यही दुकान है जहां पर ड्रग विभाग की ओर से ताला लगाया गया था, जिसके बाद मेडिकल संचालक ने उनका ताला हटा दिया और अब अपना ताला लगा लिया है। कल की घटना है ये, कल जब ये पता लगा कि भाई मेडिकल स्टोर पे, पुणे में मेडिकल स्टोर है ये, इस पे नशे का कारोबार हो रहा है और बच्चों को ये बुला करके नशा प्रोवाइड करा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, 15 साल 14 साल 20 साल के बच्चों को खराब कर रहे हैं। कल जो डीए मैडम है, ड्रग इंस्पेक्टर मैडम, उनके उनके माध्यम से विभाग की टीम आई थी यहाँ पर, उस टीम ने अपना ताला लगाया था इस तरफ, और रात को जो अमित है इस मेडिकल का संचालक है, उस व्यक्ति ने रात को लगभग 11 और 12 साढ़े 11 बजे के बीच में आकर के अपने परिवार के साथ इसमें से जो उसका नशे का सामान रखा हुआ था लगभग एक कट्टा भर करके, एक बैग भर करके वो लेके गए हैं, बाल्टी भर करके यहाँ से। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे साथ इंतजार रजा जुड़ चुके हैं। इंतजार रजा, ये बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला मामला है कि आधिकारिक रूप से सील किए गए एक मेडिकल स्टोर का संचालक वहां से आधिकारिक सील वाला ताला हटाकर खुद का ताला लगा लेता है, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कवंदर, मैं आपको बता दूं जो ये मामला है, ये हरिद्वार क्षेत्र के थाना सिडकुल क्षेत्र का मामला है, जहां रावली महदूद में एक जो पूर्णिमा मेडिकल स्टोर है वहां अवैध दवाइयां, अवैध इंजेक्शन बेचे जाने की ग्रामीणों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई थी, जिस पर जो हरिद्वार के ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती, उनके निर्देशन में उनके जो कर्मचारी है, उन्होंने इस मेडिकल स्टोर को तत्काल मौके पर पहुंचकर सीज कर दिया था। लेकिन वही जो मेडिकल संचालक है, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि मेडिकल संचालक द्वारा रात के समय में चोरी छुपे आकर के ड्रग्स विभाग के द्वारा इस जो मेडिकल स्टोर को सील किया था, उस ताले को तोड़कर जो इसके अंदर जो नशीली दवाइयां थी उनको हटाने का काम किया गया है, जिससे कि जो तथ्य थे, जो सबूत थे, ड्रग जो नशीले इंजेक्शन थे उनको हटाने का काम इस संचालक के द्वारा किया गया, जिसकी शिकायत पुनः फिर द्वारा ग्रामीणों के द्वारा विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसमें जो छुट्टी और अन्य अधिकारियों के व्यस्त होने के कारण अधिकारी वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी जब अधिकारियों से इसके संबंध में जब बात की गई थी तो अधिकारियों द्वारा कहा गया कि इसकी जो जांच है वो की जाएगी और जो इसके संबंधित आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। जी जी इंतजार जी, क्या कुछ पता चल सका है कि कब से ये जो मेडिकल स्टोर का संचालक है ये कब से इस तरीके की नशीली दवाइयों को बेच रहा था? जी देखिए सावंदर, मैं आपको बता दूं जो ये ग्रामीणों के द्वारा जैसे कि बताया गया है, जो यहाँ पे बच्चे हैं या अन्य वयस्क या नौजवान लड़के हैं, उनको अक्सर इस मेडिकल स्टोर से इस तरह की दवाइयां और इंजेक्शन खरीदते हुए देखा गया है, जिस पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा कुछ समय से नजर रखी जा रही थी, जिस पर लगातार कई महीनों से इस पर फोकस किया जा रहा था और नजरबंदी करते हुए ग्रामीणों के द्वारा ही स्थानीय विभाग को, जो ड्रग्स विभाग है उसको, इसकी सूचना दी गई थी कि यहाँ जो ये पूर्णिमा मेडिकल स्टोर है रावली महदूद के अंदर, इस पर यहाँ ये नशीले इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई हो जाना जरूरी है, जिस पर कार्रवाई हुई भी, लेकिन कार्रवाई होने के बाद जो मेडिकल संचालक है उसने जो अधिकारी की जो आदेश है उस पर ठेंगा दिखाते हुए इसका जो सील लगाई थी उसके सील को तोड़ दिया और इससे जो दवाइयां जो अवैध इंजेक्शन या नशीले इंजेक्शन थे उनको हटाने का काम इस वजह किया है। जी जी इंतजार जी, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर ड्रग विभाग ने वहां पर कार्रवाई की थी और अब एक बार फिर ग्रामीण कह रहे हैं कि उन्होंने अपना ताला हटाकर, वो उनका जो आधिकारिक रूप से जो ताला जड़ा गया था, सील किया गया था, उस ताले को हटाकर अब अपना ताला लगा लिया, तो ऐसे में ड्रग विभाग अब क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो ड्रग्स विभाग है, ड्रग्स विभाग को फिर दोबारा फिर इसकी सूचना दी गई, ड्रग्स विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचे और जो छानबीन है, जो अन्य कार्रवाई पुलिस विभाग को साथ लेकर ड्रग्स विभाग के द्वारा कहा गया है कि जो इसमें संबंधित आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस जो इंजेक्शन, जैसे नशीले इंजेक्शन जो इसमें से निकाले गए हैं उनको पुनः उस आरोपी को पकड़कर और जहां भी उनको कहीं और अन्य जगह उन्हें स्थापित स्थानांतरण किए होंगे वहां से उनको बरामद किया जाएगा और जो भी आवश्यक दिशा कार्रवाई है वो सख्त कार्रवाई के खिलाफ की जाएगी। जी क्या इससे पहले भी ये मेडिकल संचालक जो है, मेडिकल स्टोर का संचालक जो है, इससे पहले भी इस तरीके के किसी कृत्य में लिप्त पाया जा चुका है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों से
संदिग्ध रूप से इस मेडिकल स्टोर के ऊपर ग्रामीणों के द्वारा ही नजर रखी जा रही थी और जो जो विभाग है, दस विभाग है या अन्य पुलिस विभाग है उनके हत्थे, हालांकि ये मेडिकल स्टोर संचालक पहले नहीं चढ़ पाया था लेकिन अब पुख्ता निशानदेही और पुख्ता सबूत के आधार पर ग्रामीणों की सूचना पर इसके ऊपर कार्रवाई कर पाए जो डॉक्टर भागे जी। जी बिल्कुल। और इंतजार जी, ये मैं देख पा रहा हूँ तस्वीरों में, ये जो इलाका लग रहा है ये कोई मार्केट नुमा इलाका लग रहा है, तो ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल है कि बीच मार्केट की एक दुकान है जहां पर नशीली दवाइयां इस तरीके से बेची जा रही हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, चाहे मैं ड्रग्स विभाग की बात करूं या फिर पुलिस प्रशासन की बात करूं। बीच मार्केट में एक दुकान, एक मेडिकल स्टोर जो कि नशीली दवाइयां कब से बेचता आ रहा था, और ऐसे में किसी की निगाह नहीं पड़ी प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा सवाल है कि जो ये मेडिकल स्टोर है ये हरिद्वार का सिडकुल क्षेत्र है और सिडकुल में अन्य फैक्ट्रियों के, अन्य जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उनके पास ही जो गांव है उनमें ये मेडिकल स्टोर संचालक मेडिकल चला रहा था और जो कलेक्ट्रेट और जिला मुख्यालय है और स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, वो मेडिकल स्टोर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हुए इन इस तरह की जो गतिविधियां हैं यहाँ पनप गई, लेकिन किसी अधिकारी की इस पर नजर नहीं पड़ी, लेकिन ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए इस पर कार्रवाई करने के लिए जो विभाग को शिकायत की और इसी के ऊपर इस पर कार्रवाई हुई, लेकिन अन्य जो विभाग है इससे 2 किलोमीटर के दायरे में विभाग के होने के बावजूद भी इन पर कोई अंकुश विभाग के द्वारा नहीं लगाया गया। जी बिल्कुल। इंतजार जो, जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों की भूमिका देखने को मिली है, शुरुआत में भी इन्होंने शिकायत की, अब इसके बाद भी इन्होंने शिकायत की, तो ऐसे में अब ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, नाराजगी है उनके ड्रग्स विभाग की लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ये ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस तरह की जो गतिविधियां हैं और इस तरह के अन्य जो मेडिकल स्टोर है जिनको ग्रामीण लोग नहीं देख पाए हैं और विभागीय जो अधिकारी हैं वो पुख्ता अभियान चलाने के बावजूद उन पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, तो विभाग जो ग्रामीण है, ग्रामीणों ने कहा कि हम विभाग के विरुद्ध मोर्चा खोलेंगे और विभाग के विरुद्ध भी धरने प्रदर्शन क्षेत्र में किए जाएंगे। क्यों, आखिर क्यों ऐसा है कि ऐसे मेडिकल संचालकों के ऊपर विभाग द्वारा आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? जी जी। और इंतजार जी, एक और बड़ा सवाल है कि ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने जो अंदर नशीली दवाइयां रखी हुई थी उनको सबको वहां से हटा दिया है ताकि सबूत पिटाया जा सके, तो ग्रामीणों के पास इस बात को तथ्यपूर्ण करने के लिए कोई ठोस सबूत है? ग्रामीण किस बिना पर इस बात को कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम बताना चाहूंगा जो ग्रामीण है, रात्रि के समय का ये घटना है कि जब इस सील लगे हुए मेडिकल स्टोर के स्टोर से जो मेडिकल संचालक है उसके द्वारा इस पर सील का ताला तोड़ दिया जाता है और जो ग्रामीण है, ग्रामीण लोग इकट्ठे होकर इस चीज को देखते हैं, तो उनके द्वारा एक जो विभाग है सूचना दी है, लेकिन तब तक उसने वो ताला तोड़ करके वहां से मेडिकल जो निकाल ली थी और ग्रामीणों का कहना है कि एक बैग और कट्टे टाइप के किसी चीज में भर करके उस सामान को यहाँ से निकाला गया है, जिस पर जो ग्रामीण है, ग्रामीणों ने इसकी वीडियोग्राफी भी की है और फोटो वगैरह खींचे जो ग्रामीणों के द्वारा विभाग को अवेलेबल करा दिए गए हैं। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतना पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी और ग्रामीणों का चश्मदीद गवाह इस संबंध में हो जाने के बाद भी जो ड्रग्स विभाग है वो इस पर कार्रवाई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रहा है? जी अच्छा इंतजार जी, ये जो ताला पहले लगा हुआ था जिसके ऊपर सील लगा के गए थे विभाग के लोग, उस ताले को तो तोड़ दिया गया, अब विभाग के लोग जब दोबारा पहुंचे हैं तो क्या फिर से ताला लगाया गया है, सील किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा जब विभाग के लोग जब वहां दोबारा पहुंचे, एक बार पुनः फिर एक बार विभाग द्वारा अपना ताला उस मेडिकल स्टोर पर लगाया गया है और अन्य जो जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हरिद्वार की वो उनसे जब इस संबंध में बात की गई तो वो कल यानी कि सोमवार को यहाँ हरिद्वार में पहुंचेंगी और उनके द्वारा स्थानीय निरीक्षण और मेडिकल का निरीक्षण किया जाएगा, तो उसके पश्चात ही आगे कार्रवाई बढ़ाया जाएगा। क्या कार्रवाई होगी ये हमें बताया कि कब मेडिकल जो ड्रग्स इंस्पेक्टर कब यहाँ पहुंचती है और क्या कार्रवाई इस अवैध नशे के इंजेक्शन बेचने वाले मेडिकल स्टोर के ऊपर कार्रवाई करते हैं। जी ठीक है इंतजार जी, ये जो पहले ताला तोड़ा गया इसके बाद दोबारा से ताला विभाग की ओर से लगाया गया है, तो ऐसे में पहले ताला तोड़े जाने पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा जो मेडिकल स्टोर था लेकिन जो उसका ताला तोड़ दिया जाता है, विभाग द्वारा ताला लगाया जाता है और संचालक के द्वारा ताला तोड़ दिया जाता है, लेकिन जो विभाग है विभाग के द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई मेडिकल संचालक या मेडिकल के ऊपर नहीं की गई है, लेकिन कल जब जो हरिद्वार की ड्रग्स इंस्पेक्टर है अनिता भारती कल जब यहाँ निरीक्षण के लिए पहुंचेंगी तो कार्रवाई का पैमाना क्या होगा वो कल इसका पता लग पाएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इंतजार। तो ये मेडिकल स्टोर संचालक जिसकी दुकान पर नशीली दवाइयां पाए जाने के बाद विभाग की ओर से इस मेडिकल स्टोर को सील किया गया था, लेकिन बिना कानून की परवाह किए मेडिकल स्टोर संचालक ने विभाग की ओर से लगाए गए ताले को तोड़ दिया और अपना ताला लगा दिया, ऐसा वहां के ग्रामीणों का कहना है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां विभाग के लोग एक बार फिर पहुंचे और एक बार फिर से विभाग ने दुकान को सील कर अपना ताला जड़ दिया है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं काशीपुर से एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां जिस बहन का एक भी भाई नहीं था उस बहन को अचानक कई भाई मिल गए। दरअसल कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह, जिनका कोई भाई नहीं है पर उन्हें अचानक से 50 से भी ज्यादा भाई मिल गए, जो कि रिटायर फौजी है। इस अवसर पर कांग्रेसी नेता मुक्ति सिंह ने सभी को राखी बांधी, जिस दौरान वह भावुक भी हो गई। कांग्रेस नेता मुक्ता सिंह ने अपने 50 से अधिक रिटायर फौजी भाइयों को टीका लगाकर उनकी आरती उतारी और सबकी कलाइयों पर राखी बांधकर भगवान से उनकी दीर्घायु की कामना की। साथ ही उनसे वचन लिया कि जैसे दिल और जान से सरहदों पर देश की रक्षा करते थे, वैसे ही वह अब अपनी बहन की रक्षा करेंगे। साथ ही रक्षाबंधन के त्यौहार पर कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह ने लोगों से अपील की है कि जिस तरह से हम एक फौजी को ड्यूटी के टाइम सम्मान देते हैं, वैसे ही सम्मान उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी देना चाहिए। तो ये टीवी स्क्रीन पर आपकी सामने तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह अपने 50 से अधिक रिटायर फौजी भाइयों को राखी बांधते हुए नजर आई। आपको बता दें कि मुक्ता सिंह का कोई यूं तो सगा भाई नहीं है, लेकिन आज उन्होंने लगभग 50 से भी अधिक पूर्व सैनिकों को राखी बांधी और उनसे अपनी सुरक्षा का प्रॉमिस लिया है। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खंड विभाग विकास अधिकारी कार्यालय डूडा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अटेंडेंस रजिस्टर को भी ध्यानपूर्वक देखा, जिसमें पाया गया कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत के रजिस्टर में हस्ताक्षर तो हैं, जबकि वह कार्यालय में नहीं है, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को उनसे जवाब मांगने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने मनरेगा सेल का निरीक्षण भी किया, जहां मनरेगा सेल में कार्यरत उप कार्यक्रम अधिकारी सहित 2 कंप्यूटर ऑपरेटर से 1,00,000 से कम योजनाओं की पेंडिंग स्टेटमेंट की भी जानकारी मांगी गई, तो तीनों में से कोई इसकी जानकारी नहीं दे पाया। इसके अलावा जब वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में पूर्ण हुए कार्यों के भुगतान के बारे में जानकारी ली गई, तो करीब 348 फाइल ऐसी मिली जिनका भुगतान अतिथि तक नहीं किया गया। जिलाधिकारी ने ऐसे लापरवाह कर्मचारियों का स्पष्टीकरण लेने व आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने तस्वीरें, उत्तरकाशी का पूरा मामला, जहां पर लापरवाही करते हुए कर्मचारियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा जिलाधिकारी ने कहा है। आज कई ऐसी अनियमितताएं जिलाधिकारी द्वारा पकड़ी गई, उन्होंने औचक निरीक्षण किया था। तो ये टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें। देशभर में आज भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा था। इस मौके पर देहरादून के केदारपुरम स्थित नारी निकेतन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तमाम बहनों ने राखी बांधनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के चलते इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद सभी बहनों ने मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री को राखी बांधी व रक्षाबंधन का पर्व मनाया। तो टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री आवास जाकर आज बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।